संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय कराया। इस दौरान विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय कराते हुए कहा कि खुशी की बात है कि कई पिछड़े और दलित भाई एवं महिलाएं मंत्री बने हैं, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी 19 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस बार सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा कामकाज करने पर होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के एक रीट्वीट ने पार्टी में हलचल मचा दी। माकन ने रीट्वीट कर लिखा, किसी भी राज्य में कोई छत्रप अपने दम पर नहीं जीतता है। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब कमजोर वर्ग आम आदमी का वोट मिलता है। कोरोना संकट के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। संसद पहुंचकर पीएम मोदी ने कहा कि धारदार सवाल पूछें, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई और चीन से जुड़े मामले और पत्रकारों नेताओं की जासूसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया, जिससे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करना पड़ी। बंगाल भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, खासकर शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद पार्टी के भीतर कलह बढ़ गई है। नेता प्रतिपक्ष बनने और पार्टी में कद बढ़ने से कई नेताओं में नाराजगी बढ़ी है। बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा के 72 प्रदर्शन नहीं करने को लेकर पार्टी के नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कथित तौर पर निंदात्मक पोस्टर लगाने के कारण गिरफ्तार किए लोगों और ऐसे मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता से ब्यौरा मांगा। दिल्ली एनसीआर में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया। बादल, बिजली और हल्की हवाओं के बीच बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने भी आज के येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि कल भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन उससे उमस बहुत कम नहीं हो सकी। आज रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में भी मौसम विभाग का बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही लगातार बारिश जारी है, लेकिन बारिश और कोरोना की तीसरी लहर की तमाम खबरों के बीच लोगों की आस्था कम नहीं हुई। सावन का पहला सोमवार होने से मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग गई। इस दौरान लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूल गए। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को ही भारी बारिश से कहर बरपाया। भूस्खलन के कारण प्रदेश में कई सड़कें बंद हो गई, नदी नाले उफान पर हैं। चंबा जिले में एक कार भूस्खलन की चपेट में आने से रावी नदी में समा गई। कार में एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। अभी एक महिला का शव बरामद हुआ है, अन्य 2 की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में चक सादिक खान इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। साल 2017 से दक्षिणी कश्मीर समेत घाटी में आतंकी हमलों और हत्याओं को अंजाम देने वाला खूंखार आतंकी लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर फाखदार उर्फ अबू अकरम मार गिराया है। अबू के साथ ही इस मुठभेड़ में एक और आतंकी मारा गया है। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया और कहा, मैं जीतूंगा, पंजाब मिशन को पूरा करने का काम करूंगा। सिद्धू ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है। सोमवार को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कुलदीप खरड़ ने किया। किसानों ने रामायण टूल प्लाजा पर काले झंडे दिखाकर विरोध किया। हरियाणा में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में ऑरेंज और शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। कुछ स्थानों पर आंधी के साथ भारी से भारी बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।
बिहार में बारिश और बाढ़ ने हर साल की तरह इस साल भी कोहराम मचा रखा है। नदियों में जलस्तर बढ़ने से लोगों को विस्थापन भी करना पड़ रहा है। विभूतिपुर में बनहैती पुल के पास बनाया गया बायां तटबंध बाढ़ के पानी के दबाव और नदी के उच्च जल स्तर के कारण टूट गया, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नव मनोनीत प्रदेश पदाधिकारियों की पहली बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पार्टी में सब कुछ सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब मिलकर काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सोमवार को फिर से बीमार हो गए। उन्हें पटना के सगुना मोड़ के पास डॉक्टर विमल के क्लिनिक में भर्ती कराया। उनके पेट में दर्द की शिकायत है, उन्हें बार बार बुखार भी आ रहा है, लगातार कमजोरी भी रह रही है। बारिश कहीं राहत लेकर आई है तो कहीं आसमान से आफत बरस रही है। मुंबई और दिल्ली में तेज बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के मांडू गांव में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई का आधिकारिक रूप से जीवंत प्रसारण करना आज से शुरू कर दिया है। इस तरह गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा हाईकोर्ट बन गया है जो आमजन के लिए सुनवाई का जीवंत प्रसारण कर रहा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने 17 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई के जीवंत प्रसारण का आरम्भ कराया था। दुनिया में डेल्टा वेरिएंट के कहर के बीच यह खबर आ रही है कि चीन में बंदरों के जरिए तेजी से संक्रमण फैल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बंदरों से संक्रमण का प्रसार हो रहा है। चीन ने इस वायरस के फैलने की भी बात स्वीकार कर ली है। चीन ने इस वायरस को मंकी बी वायरस का नाम दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी। अब उन्होंने अपनी किसान नेता वाली हरी टोपी को उतार दिया है और नई फोटो अपलोड की। उनकी इस फोटो को बदलने के पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा है, मगर लोग तरह तरह की अटकलें जरूर लगा रहे हैं। देश के कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई को भी महामारी बना दिया है, जो रोज रोज गरीब की थाली को छोटी करती जा रही है। मुख्यमंत्री ने न्यूयॉर्क से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश में बनाने की बात कही थी। सड़कें तो नहीं बन पाए, लेकिन पेट्रोल के दाम जरूर न्यूयॉर्क से दोगुने हो गए हैं। राजधानी भोपाल में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब पुलिस मुख्यालय के सामने दो कारों में टक्कर हो गई। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ और पुलिस के सामने ही मारपीट होने लगी। इस दौरान हंगामा कर रहे कार चालक ने तो पुलिस कर्मियों को रिश्वत देने तक की बात कह दी। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना भी जताई। चंबल संभाग के जिलों के साथ ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, बैतूल और सागर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उज्जैन के घटिया तहसील में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी। इसके साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया, कई बार ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार को मांगों से अवगत कराया गया। गोटेगांव में जनपद पंचायत संयुक्त मोर्चा सचिव संगठन ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम में कार्यालय में ज्ञापन दिया। संयुक्त मोर्चा संगठन ने एसडीएम और जनपद सीईओ को अपनी मांगों से अवगत कराया। साथ ही संयुक्त मोर्चा ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, मांगे पूरी नहीं होने पर 22 जुलाई से कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। जबलपुर हनुमानताल थाना क्षेत्र स्थित सती चौक के पास फायरिंग में एक युवक के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है, अंशुल सोनकर उर्फ अप्पा और हिमांशु कोरी के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया, जिसमें हिमांशु का भाई घायल हो गया। वहीं पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे पिस्टल भी बरामद की है।
उज्जैन में चोरियों की बढ़ती वारदातों को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। मामला महिदपुर के नागौरी मोहल्ले का है, जहां देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाशों ने एक मकान में धावा बोल दिया। इस दौरान घर की एक महिला ने उन्हें देख लिया, तब भी महिला के शोर मचाने से पहले ही चोरों ने महिला को बंधक बना लिया और उसकी चोटी काट ली। पवई में ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के अधिकारी कर्मचारियों ने जनपद सीईओ को ज्ञापन देकर 3 दिवसीय अवकाश के साथ हड़ताल पर जाने की अनुमति मांगी। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया गया। रतलाम में भी पंचायत ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 संगठनों के कर्मचारियों ने 2 दिन का सामूहिक अवकाश लिया है। दरअसल सुनवाई नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने सोमवार को फिर से मुख्यमंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। सीहोर में इंदौर भोपाल रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। झागरिया जोड़ के पास एक भरा ट्रक कार के ऊपर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के करीब आधा घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसे खदेड़ना पड़ा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जनपद पंचायत चाचौड़ा के कर्मचारी और रोजगार सहायक सामूहिक हड़ताल पर हैं। आज पंचायत कर्मियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और गोटेगांव से विधायक एमपी प्रजापति ने अपनी विधानसभा को एम्बुलेंस की सौगात दी है। इस एम्बुलेंस से दूर दराज के मरीजों को शासकीय अस्पतालों में इलाज के लिए लाया जाएगा। विधायक ने बताया, मरीजों को अस्पताल आने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसी को देखते हुए अस्पताल परिसर को एम्बुलेंस भेंट की है। गंजबासोदा के लाल पठार गांव में गुरुवार की रात हुई हृदय विदारक घटना में मृतकों की आत्म शांति के लिए सामाजिक संगठन जन चेतना मंच द्वारा आनंदपुर कस्बे में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नौगांव के एसडीएम विनय द्विवेदी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। एसडीएम ने बताया, शहर में धारा 144 लागू है, ऐसे में 6 लोगों की कोविड नियमों का पालन करते हुए मस्जिद में जाने की अनुमति है। और के ग्राम पंचायत खोड़ में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है, कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन फिर भी लाइन में सुधार नहीं किया गया। वहीं गाय की मौत के बाद से ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश है। बक्सवाहा में जनपद पंचायत संयुक्त मोर्चा और सचिव संगठन ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल किया और जनपद सीईओ को अपनी मांगों को लेकर अवगत कराया। संयुक्त मोर्चा ने बताया कि पहले भी कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाली 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। बकरीद सहित आगामी त्योहारों को लेकर सोमवार को पिछौर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। डबरा एसडीएम और एसडीओपी ने बैठक में कई दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया, कोरोना के चलते सभी धार्मिक स्थलों पर आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसलिए धार्मिक स्थल पर किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा। आगामी त्योहार को लेकर चंदेरी थाना परिसर में सोमवार शाम शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सभी से कोविड नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। दमोह जिले के जबारा में भी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के नवगठित संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांगों को लेकर 19 और 20 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर चले गए। इतना ही नहीं, जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी न होने पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन कार्यालय बंद कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी।
खबर सतना जिले के मचकवा से, जहां पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संविदा कर्मियों के 17 संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। इसके साथ ही एसडीएम पीएस त्रिपाठी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी न होने पर 22 जुलाई से सामूहिक कलमबंद हड़ताल की चेतावनी दी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विशेष पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सड़कों के किनारे और ग्राम पंचायतों में भी पौधारोपण किया जाएगा, जो कि 19 जुलाई से 1 अगस्त तक जारी रहेगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। रायगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने स्पर सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 4 युवती और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने बैकुंठपुर में छापामार कार्रवाई करते हुए 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 51,600 रुपए और 15 मोबाइल जब्त किए हैं। सूरजपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने शिवरिया बाबा देवनगर में जन कल्याण के लिए पूजा अर्चना किया और इसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 4 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद ने बताया मरीजों को आने जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसी को देखते हुए ये एम्बुलेंस भेज की गई है। बेमित्रा में विधायक आशीष हावड़ा और कलेक्टर ने मां भद्रकाली तालाब के पास पौधारोपण किया। नगर पालिका सीएमओ और सहयोगयुक्त संस्था के प्रयासों से नगर में कई खाली जगहों पर पौधे लगाए गए। इस दौरान नागरिकों ने भी पौधारोपण किया। इस विधायक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जीवन में कम से कम पौधा जरूर लगाएं। राजनांदगांव के महेश नगर में धर्मांतरण की सूचना पर मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है साहू परिवार के द्वारा लोगों को उपचार के नाम पर और उनकी गरीबी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जगदलपुर में सराफा व्यापारी से बंदूक की नोक पर लूट की वारदात के 18 घंटे बाद भी लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लुटेरों ने व्यापारी से आधा किलो सोना और 80,000 रुपए कैश लूट लिया और व्यापारी पर फायरिंग भी की। इधर घटना के बाद से बस्तर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। दरअसल 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से मौसम तो सुहाना हो ही गया है, साथ ही गंगा का भी जलस्तर बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग ने भी गंगा के आसपास रहने वाले गांवों को अलर्ट कर दिया है। लखीमपुर खीरी में बिगड़ती कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने साइकिल रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली को जिलाध्यक्ष रामपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां साइकिल रैली 500 किलोमीटर की यात्रा करके 26 जुलाई को लखनऊ पहुंचेगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कानपुर समेत यूपी के कई शहरों में झमाझम बारिश शुरू हुई। कानपुर में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। चित्रकूट, इटावा, औरैया, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, हमीरपुर में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 18 से 22 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी। सोशल मीडिया आज की आम जिंदगी का एक बहुमूल्य हिस्सा बन चुका है। बॉलीवुड के सितारे भी सोशल मीडिया के आने के बाद से अपने प्रशंसकों से ज्यादा जुड़ सकते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन की एक पुरानी फोटो इन दोनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और फैंस द्वारा इसे खूब पसंद किया जा रहा है।